हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एस ए पी एम दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा फोर्टीएथ लेक्चर वीडियो है 39 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड आज मेरा फोर्टी तो चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वॉट इज पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो होता क्या है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या होता है पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्या क्या अप्रोचेस होते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बेसिकली दो मेन अप्रोचेस हैं पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा है मॉडर्न अप्रोच जिसे मार्कोविट्स मॉडल या मार्कोविट्स अप्रोच भी कहा जाता है तो इन्हीं दोनों अप्रोच के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है ठीक है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक है तो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है तो पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ठीक है पोर्टफोलियो क्या है कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी सपोज करिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं शेयर खरीद लू किसी कंपनी के शेयर खरीद लू ठीक है तो मैंने केवल एक कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया ना तो दिस इज नॉट पोर्टफोलियो लेकिन अगर इसकी जगह मैं कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मैंने थोड़े से शेयर खरीद लिए थोड़े से बॉन्ड खरीद लिए थोड़ा सा गोल्ड खरीद लिया थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया थोड़ा सा मैंने और कुछ ईटीएफ खरीद लिया तो ये जो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी है ना जिसमें मैंने अपना पूरा पैसा एक जगह ना इन्वेस्ट करके एक कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया ना इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो तो देखिए मैंने लिखा है पोर्टफोलियो क्या है पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इनका जो कलेक्शन होता है ना उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो मतलब हम किसी एक चीज में इन्वेस्टमेंट ना करके केवल स्टॉक या केवल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ना करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं ठीक है अपने पैसे को थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा सा बॉन्ड थोड़ा सा कॉमोडिटी थोड़ा सा कैश थोड़ा सा गोल्ड थोड़ा सा ईटीएफ थोड़ा सा म्यूचुअल फंड तो उसमें करके अगर मैंने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया हुआ है तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है हमें वैसे भी अपना पूरा पैसा केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए हमें अपना एक धीमे धीमे पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए ठीक है थोड़ा सा रियल स्टेट में लगा दिया तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो ठीक तो ये तो हो गया पोर्टफोलियो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता क्या है कैसे तो अभी हम बाद में बात करेंगे पहले पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन समझते हैं फिर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे देखिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मतलब जब हम इन सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा गोल्ड स्टॉक बॉन्ड कॉमोडिटी इन सबको जब हम ब्लेंड करते हैं इन सबको जब मिला करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसका रिटर्न क्या हो मैक्सिमम जिसका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो और रिस्क क्या हो मिनिमम तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस है जिसके तहत हम ये जो डिफरेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इन सबको मिला करके अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं जिसका रिटर्न क्या हो जिसका रिटर्न हो मैक्सिमम और रिस्क क्या हो मिनिमम हर इन्वेस्टर यही चाहता है हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न क्या मिले रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले ठीक है और उस पोर्टफोलियो में रिस्क क्या हो पोर्टफोलियो में रिस्क कम से कम हो ठीक है तो इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग टूगेदर ऑल द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उन सबको ब्लेंड करने का जो प्रोसेस है उनको मिला करके जो पोर्टफोलियो बनाने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे तो इसके दो अप्रोचेस हैं पहला अप्रोच क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच दूसरा अप्रोच क्या है मार्कोवेट्स इफिशियंट फ्रंटियर अप्रोच ठीक है या सिंपली कह लीजिए मार्कोविट्स मॉडल तो दो अप्रोचेस हैं एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा क्या है मार्कोविट्स इफिशियंट फ्रंटियर अप्रोच या सिंपली कह लीजिए मॉडर्न अप्रोच या सिंपली कह लीजिए मार्कोविट्स अप्रोच ठीक अब एक एक करके इन दोनों को हम समझेंगे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली क्या होता है इन्वेस्टर की नीड क्या है इन्वेस्टर की जरूरत क्या है इन्वेस्टर को क्या इनकम चाहिए इन्वेस्टर की मतलब किस इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वो किस उद्देश्य से किस ऑब्जेक्टिव से किस जरूरत से वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है क्या उसको इनकम चाहिए कैपिटल अप्रिशिएशन चाहिए या केवल वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करना चाहता है तो इन्वेस्टर की बेसिकली नीड क्या है इसको इवेलुएट किया जाता है एंड उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी को सिलेक्ट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर की जो नीड हो वो क्या हो फुलफिल हो तो ये क्या है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है ठीक है लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है मॉडर्न अप्रोच में पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्या होता है पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है लेकिन कैसे रिस्क और रिटर्न को रखें इस तरीके से पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है कि रिटर्न क्या हो मैक्सिमम हो और रिस्क क्या हो मिनिमम हो तो ये होता है मॉडर्न अप्रोच में मार्कवर्ट्स मॉडल में और ये जो मॉडल है ना मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और मैं अभी आपको बहुत डिटेल में विद कैलकुलेशन विद प्रूफ ये पूरा मॉडल पढ़ाऊंगी जो काफी इंटरेस्टिंग है ठीक है पर पहले हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में इट इज कैरीड आउट इन फाइव स्टेप ट्रेडिशनल अप्रोच में जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं ये पांच स्टेप में हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो पांच स्टेप क्या है सबसे पहला स्टेप क्या है एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रेंट सबसे पहले स्टेप में हम जो भी कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट मतलब लिमिट या कह लीजिए रिस्ट्रिक्शन देखिए जब इन्वेस्टर अपना जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करता है लेकिन वो किसी कह लीजिए किसी सीमा में रह के या कैसी कह लीजिए वो लिमिट मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है अपनी लिमिट को ध्यान में रख के हम ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं ना हमारी लिमिटेशन क्या है उसको हम ध्यान में रख के चूज करते हैं ना कहते हैं ना जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए तो हमारे इन्वेस्टर की भी जो कंस्ट्रेंट है इन्वेस्टर की जो लिमिट है उसको ध्यान में के इन्वेस्टर क्या होता है अपना इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है डिटरमाइन करता है ठीक है तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप क्या है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रेंट सबसे पहले क्या करता है इन्वेस्टर कंस्ट्रेंट यानी इन्वेस्टर की लिमिट क्या है उसको एनालाइज करता है और दूसरे स्टेप में उसके बेसिस पे इन्वेस्टर क्या डिसाइड करता है अपने ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव उसके क्या है वो डिसाइड करता है फिर तीसरे स्टेप पे इन्वेस्टर क्या करता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है पोर्टफोलियो यानी यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होंगे यानी उस पोर्टफोलियो में थोड़ा बॉन्ड भी होगा स्टॉक भी होगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वही इन्वेस्टर क्या है पोर्टफोलियो सिलेक्ट करता है और फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या है कि इन्वेस्टर क्या करता है उस पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न का पांच स्टेप होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में में अब इन स्टेप को हम डिटेल समझते हैं ठीक है बट अगर आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच पूछा जाए तो ये जो डायग्राम ये मैंने बनाया ना ये फ्लो चार्ट ये आप जरूर बनाएंगे एग्जाम में ठीक है तो चलिए अब एक एक करके इस अप्रोच को समझते हैं इसका पहला स्टेप इसका पहला स्टेप क्या है एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रेंट तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला स्टेप क्या है एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रेंट यानी जो इन्वेस्टर की जो लिमिट है इन्वेस्टर उसको क्या करता है एनालाइज करता है क्योंकि इसी लिमिट को ध्यान में रखकर इन्वेस्टर क्या होगा अपने ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करेगा अपने उद्देश्य को फॉर्मुलेट करेगा कि इन्वेस्टमेंट उसे क्यों करना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको फॉर्मुलेट करेगा कीपिंग इन माइंड दिस कंस्टेंट इस कंस्टेंट को ध्यान में रख के वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा ठीक है तो क्या क्या कंस्टेंट हो सकते हैं सबसे पहली जो लिमिट हो सकती है इन्वेस्टर की वो क्या हो सकती है लिक्विडिटी ठीक है वो क्या हो सकती है लिक्विडिटी ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर क्या प्रीफर करता हो इन्वेस्टर प्रिफर करता हो हाई लिक्विडिटी ठीक है तो अगर इन्वेस्टर की प्रेफरेंस है हाई लिक्विडिटी तो उस केस में जो फंड जिस फंड में वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो फंड क्या होंगे शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाले फंड होंगे शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी मतलब क्या है कि जिनकी वो फंड जिनकी मेच्योरिटी कम समय में ही हो जाती है जो बहुत लंबा लंबा Uh, मतलब कह लीजिए जिनमें लॉक इन टाइप नहीं होता है तो वो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा ठीक है दूसरा क्या कंस्ट्रेंट हो सकता है दूसरी क्या लिमिट हो सकती है इनकम नीड इनकम नीड इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टर की नीड क्या है क्या इनकम की कौन सी नीड है देखिए इनकम भी अब दो टाइप की होती है इन्वेस्टर की नीड क्या करेंट इनकम की है करेंट इनकम मतलब होता है कि डेली के जो खर्चे हैं लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करके उनको मीट करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इन्वेस्टर ठीक है करेंट इनकम मतलब समझ रहे हैं कि हमारे जो खाने पीने रहने के जो खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कॉन्स्टेंट इनकम उसको चाहिए उसको क्या करेंट इनकम चाहिए कि कॉन्स्टेंट इनकम चाहिए ठीक है कॉन्स्टेंट इनकम मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है महंगाई यानी समय के साथ ये जो रूपी की वैल्यू कम होती जा रही है परचेजिंग पावर ऑफ रूपी कम होती जा रही है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन ठीक है तो क्या इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ठीक है है तो बेसिकली उसका उसकी लिमिट क्या है? ये सेकेंड पॉइंट है इनकम नीड यानी उसको किस टाइप की इनकम चाहिए क्या उसे करंट इनकम चाहिए या कॉन्स्टेंट इनकम चाहिए इसी के बेसिस पे इन्वेस्टर अपना क्या डिसाइड करेगा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा बट उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि उसकी क्या है लिमिट क्या है उसका कंस्टेंट क्या है ठीक तो ये हो गया दूसरा पॉइंट तीसरा क्या है टाइम होरिजोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ओरिजोन मतलब एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ टाइम ओरिजोन मतलब क्या होता है टाइम होरिजोन मतलब होता है लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ इन्वेस्टर लाइफ साइकिल स्टेज का क्या मतलब है देखिए हर इन्वेस्टर अपने लाइफ के डिफरेंट फेज में होता है ठीक है ये बात समझ रहे हैं ना जो इन्वेस्टर है देखिए जब वो जॉब शुरू करता है तो वो अर्ली करियर स्टेज में होता है देखिए बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट करना मेनली तब शुरू करते हैं जब हम कमाना शुरू करेंगे तो एक स्टेज हो गई जब हमने जॉब नई नई शुरू की फिर उसके बाद मिडिल ऑफ आ करियर और उसके बाद रिटायरमेंट लेट करियर या कह लीजिए रिटायरमेंट की स्टेज तो जो इन्वेस्टर होता है अपने डिफरेंट कह लीजिए टाइम हो में होता है हर इन्वेस्टर अपने डिफरेंट टाइम हो में होता है अगर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है अगर अभी अभी उसने अपना अर्ली करियर में है अभी अभी करियर स्टार्ट किया है तो वो थोड़ा सा रिस्क लेने के पोजिशन पे होता है ठीक है जबकि अगर इन्वेस्टर अब रिटायरमेंट की स्टेज पे है लेट करियर में है तो वहां पे ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा ठीक है तो बेसिकली टाइम हो को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्टर अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है ठीक है कि इन्वेस्टर अपनी लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है ठीक तो ये हो गया तीसरा पॉइंट चौथा क्या है टैक्स कंसेशन तो टैक्स कंसेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर जो इनकम टैक्स पेइंग ग्रुप में आता है उसको क्या चाहिए उसको टैक्स कंसेशन भी तो चाहिए देखिए कोई इन्वेस्टर नहीं चाहता कि वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स पे करे वो चाहता है कि उसका टैक्स क्या हो जाए थोड़ा सा कम हो जाए ठीक है तो इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो इस बात को भी ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाता है तो इस बात को भी ध्यान में रख के किया जाता है कि थोड़ा सा टैक्स कंसेशन भी होना चाहिए टैक्स बेनिफिट भी मिलना चाहिए ठीक है तो ये हो गई चौथी लिमिट एंड पांचवी लिमिट क्या है टेम्प्रामेंट इन्वेस्टर का टेम्प्रामेंट क्या है ये भी तो एक कंस्ट्रेंट है इन्वेस्टर जब अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट किस उद्देश्य से कर रही हूँ तो ये जब मैं डिटरमाइन करूंगी तो मैं अपना टेम्परामेंट देख के भी तो डिटरमाइन करूंगी कि मैं रिस्क लवर हूं कि रिस्क एवर्जर हूं यानी मुझे रिस्क लेना पसंद है कि मैं रिस्क अवॉइड करती हूं ठीक है बेसिकली मेरी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्या है इस बात को ध्यान में रख के मैं अपने इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करूंगी ठीक है तो ये सिंपल से पांच क्या है पांच कंस्ट्रेंट है तो दूसरे स्टेप पे जाने से पहले दूसरा स्टेप क्या है दूसरा स्टेप है ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है यह डिटरमाइन करने से पहले इन्वेस्टर क्या करता है अपनी लिमिटेशन देखता है कि कंस्ट्रेन क्या क्या है ठीक है तो ये पांच सिंपल से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं पहला लिक्विडिटी दूसरा इनकम नीड तीसरा टाइम हो मतलब किस टाइम हो में है जैसे मैं अपने मिडिल ऑफ द करियर में हूं ठीक है टैक्स कंसीडरेशन एंड टेम्परामेंट रिस्क लवर है कि रिस्क रिस्क एवर्जर है अवॉइड करते हैं तो इन सारे ही बातों को ध्यान में रखकर रिस्क इन्वेस्टर क्या करता है उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है ठीक है तो ये हो गया पहला स्टेप अब दूसरा क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अब इन्वेस्टर क्या होगा अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हो सकता है करंट इनकम इन्वेस्टर को शायद करंट इनकम चाहिए या इन्वेस्टर को क्या चाहिए ग्रोथ इन इनकम चाहिए या इन्वेस्टर को क्या चाहिए कैपिटल अप्रिशिएशन चाहिए या इन्वेस्टर क्या चाहता है प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल मतलब बहुत ज्यादा मुझे ग्रोथ ना मिले लेकिन कम से कम मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या रहे प्रिजर्व रहे ठीक है वो सुरक्षित रहे ठीक तो ये चार उद्देश्य हो सकते हैं ये चार ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के एंड इन्हीं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डिटरमाइन करता है ठीक है तो चार ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं करंट इनकम ग्रोथ इन इनकम कैपिटल अप्रिशिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल ठीक अब इसके बेसिस पे इन्वेस्टर क्या करता है तीसरे स्टेप पे आता है तीसरा स्टेप क्या है सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो इसके बेसिस पे इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करता है तो सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो बेसिकली डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर पे ठीक है सिलेक्शन किस पे करेगा ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उसका उद्देश्य क्या है उसके बेसिस पे वो पोर्टफोलियो डिटरमाइन करेगा जैसे अगर इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है करेंट इनकम अगर इन्वेस्टर को चाहिए करेंट इनकम तो उस केस में इन्वेस्टर क्या करेगा अच्छा ये डेप्ट और इक्विटी तो समझ रहे ना इक्विटी मतलब शेयर मतलब या इनकम सिक्योरिटी दैट इज डेप ठीक है तो अगर इन्वेस्टर को करेंट इनकम चाहिए ठीक है अगर इन्वेस्टर को करेंट इनकम चाहिए तो उस केस में इन्वेस्टर क्या होगा डेप्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा इक्विटी में कम करेगा ठीक है सिक्सटी परसेंट के अप्रोक्स ठीक है अच्छा ये सिक्सटी परसेंट लिखा है तो एकदम सिक्सटी परसेंट का मतलब नहीं है मतलब अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी परसेंट वो डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा और और इक्विटी में थोड़ा सा कम फोर्टी परसेंट के आसपास वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है करेंट इनकम बट इसी की जगह अगर इन्वेस्टर को क्या चाहिए ग्रोथ इन इनकम अगर इन्वेस्टर को ग्रोथ चाहिए तो फिर क्या चाहिए ग्रोथ चाहिए, तो चाहिए तो ग्रोथ तो शेयर में ही है ना डिवेंचर या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है तो ग्रोथ इन इनकम अगर इन्वेस्टर को चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा इक्विटी में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो उसे 60 परसेंट के अराउंड इक्विटी में करना होगा और 40 परसेंट के अराउंड डेप्ट में करना होगा बट इसी की जगह तीसरा क्या है कैपिटल अप्रीशियेसन अगर इन्वेस्टर चाहता है उसका कैपिटल अप्रीशियेशन हो ठीक है अगर उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए लंबे समय में उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए वैसे कैपिटल अप्रीशिएशन सबसे ज्यादा तो रियल इस्टेट में है ठीक है इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट जैसे रियल इस्टेट मतलब क्या हुआ जैसे लैंड हुआ हाउस हुआ इसमें सबसे फास्टर कह लीजिए रेट से कैपिटल अप्रीशिएशन होता है लेकिन रियल इस्टेट की एक बहुत बड़ी कमी है क्या है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है ठीक है तो फिलहाल हम यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं तो जो कैपिटल अप्रीशिएशन अगर चाहिए इन्वेस्टर को तो वो क्या कर सकता है वो ज्यादा um, चार्थ से ज्यादा अप्रोक्सीमेट नाइनटी परसेंट के अराउंड किसमें इन्वेस्टमेंट करें नाइनटी परसेंट के अराउंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें और टेन परसेंट के अराउंड डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करें ठीक है तो कैपिटल अप्रीशिएशन एंड फोर्थ क्या है फोर्थ है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल चौथा क्या है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल ठीक सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा यानी 100 से 90 परसेंट तक उसे इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए और थोड़ा बहुत जीरो से लेकर टेन परसेंट तक उसे इक्विटी में रखना चाहिए बाकी उसे मैक्सिमम जो है डेप्ट में पैसा रखना चाहिए अगर वो अपने प्रिंसिपल की सेफ्टी चाहता है तो ठीक है उसे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए बट उसे चाहिए कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है ठीक है तो ये हमने चार पॉइंट क्या पढ़े हमने ये पढ़ा कि जैसा इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा वो एसेट मिक्स एसेट मिक्स मतलब प्रपोर्शन कि उसका कितना पैसा इक्विटी में हो कितना डेप्ट में हो बेसिकली प्रपोर्शन वो इसी के बेसिस पे डिसाइड करेगा अगर उसको करंट इनकम चाहिए तो ये रेशियो है ग्रोथ चाहिए ये है कैपिटल अप्रिशिएशन चाहिए तो ये है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल चाहिए तो मैक्सिमम डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करें ठीक है तो ये हो गया तीसरा स्टेप

इतना हम एसेट में जो हम इतना इक्विटी में करेंगे इतना डेप्ट में करेंगे जब ये डिसाइड कर लेता है उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का क्या करता है रिस्क रिटर्न एनालिसिस करता है और इन्वेस्टर एनालाइज करता है रिस्क को और उसके पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न आ रहा है उसको एनालाइज करता है ठीक है और हर इन्वेस्टर का मेन एम क्या होता है कि रिटर्न क्या हो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो और रिस्क क्या हो रिस्क कम से कम हो तो इस बात को ध्यान में रखें वो रिस्क रिटर्न एनालिसिस करता है ठीक एंड पांचवा स्टेप क्या है पांचवा स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है पहले एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ सपोज करिए मेरे पास सौ रुपए है तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि सौ के सौ रुपए मैं क्या करूं शेयर में इन्वेस्ट कर दू ठीक है दूसरा ऑप्शन क्या है मैं सौ रुपए को चार हिस्सों में डिवाइड कर दू पच्चीस 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 करके चार हिस्सों में डिवाइड कर दू और शायद मैं पच्चीस रुपए के शेयर खरीद लूँ पच्चीस रुपए का म्यूचुअल फंड खरीद लूँ पच्चीस रुपए बॉन्ड में लगा दू एंड पच्चीस रुपए का मैं कोई गोल्ड uh, खरीद लू ये चार ऑप्शन है ठीक है तो यहां पे मैंने क्या किया मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लिया यानी अपने पैसे को स्प्रेड कर दिया अमंग द इन्वेस्टमेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे उनमें मैंने अपने पैसे को डिवाइड कर दिया इससे क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एक ही एसेट में, में मेरा पूरा पैसा नहीं लगा तो इससे मुझे क्या मिल गया एक्सपोजर मिल गया इससे रिस्क कम हो गया। सबसे बड़ी बात यह है ना तो कुछ पैसा तो में है ना तो वो तो कम से कम सेफ है तो यही फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है इट्स अ प्रैक्टिस प्रैक्टिस है ऑफ स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट अराउंड सो दैट योर एक्सपोजर टू एनी वन टाइप ऑफ एसेट इज लिमिटेड तो डाइवर्सिफिकेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर देते हैं इससे क्या होता है एक टाइप के एसेट पे हमारा जो एक्सपोजर होता है वो लिमिट हो जाता है ठीक है एंड ये जो प्रैक्टिस है दिस इज डिजाइन टू हेल्प रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो ओवर टाइम इस प्रैक्टिस से क्या होता है हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो की जो वोलेटिलिटी है वेरिएशन है ना वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक अब एक बात इसमें ये भी है कि इसमें वेट क्या होगा वेट मतलब प्रपोर्शन क्या होगा एक पर्टिकुलर एसेट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इस बात का भी ध्यान में रख इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है ठीक है ये डिपेंड करता है आप डाइवर्सिफिकेशन जो करते हैं ये इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारे कितनी इनकम चाहिए बेसिकली हमें रिटर्न कितना चाहिए और मैं रिस्क कितना बियर कर सकती हूँ इस बात को ध्यान में रख के इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन करता है तो ये हो गया पांचवा समझ में आया यहां तक तो ये सिंपल से पांच स्टेप होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में एग्जाम में आए तो जरूर आपको ये बनाना है डायग्राम एंड आपको ये पांचों पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करने ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे आगे मार्कवेट्स मॉडल लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड मेरा एक सेकेंड चैनल भी है पूजा सिंह के नाम से है इन दोनों चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा इसकी हेल्प से पढ़िएगा और एक बात और है ये है मई 2024 तक ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी ये अभी मई 2024 तक है तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा इसकी हेल्प से पढ़िएगा इसमें कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है कुछ सब्जेक्ट सेकेंड चैनल पे है ठीक है एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे पहले और दूसरे चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच या कह लीजिए मार्क्ट जो अप्रोच है उसके बारे में तो मैं आज आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे दे रही हूँ कि मार्क्ट्स मॉडल या मार्क्ट अप्रोच होता क्या है वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं डिटेल में विद कैलकुलेशन विद प्रूफ मार्क्ट्स मॉडल हम डिस्कस करेंगे और उसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्कुट्स मॉडल का इसके फॉर्मुला कैलकुलेशन कैसे पोर्टफोलियो का रिस्क और कैसे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ये कैलकुलेशन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी बट आज मैं इसको आपका एक ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ ठीक है तो ये जो मार्कोविट्स मॉडल है इसमें सबसे मेन फोकस मेन फोकस किस बात पे है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस ठीक है तो ये जो मार्कोविट्स मॉडल है वैसे ये हैरी मार्कोविट्स ने दिया था और इन्होंने क्या कहा था कि इफिशियंट पोर्टफोलियो या कह लीजिए सबसे अच्छा पोर्टफोलियो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस इन्होंने क्या कहा कि जो फाइनेंशियल प्लान है इंडिविजुअल का इसको ऑडिट किया जाता है इसको एनालाइज किया जाता है इन टर्म ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ठीक है हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका क्या हो रिटर्न मैक्सिमम हो और रिस्क क्या हो कम हो जबकि आपने अभी पढ़ा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में इन सबसे पहले क्या किया जाता है इन्वेस्टर की नीड क्या है इन्वेस्टर को क्या करेंट इनकम चाहिए या इन्वेस्टर की नीड है कैपिटल अप्रिशिएशन की इस बात को सबसे पहली इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड उसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं ये हमने पढ़ा था ना ट्रेडिशनल अप्रोच में लेकिन मार्कोविट्स मॉडल में मेन फोकस किस बात पे है रिस्क रिटर्न एनालिसिस ऑफ द पोर्टफोलियो ठीक है तो ये मेन फोकस होता है इसमें क्या किया जाता है सबसे पहले इन्वेस्टर जो है सिलेक्ट करता है कुछ दस से पंद्रह स्टॉक को सिलेक्ट करता है और इन स्टॉक का क्या निकालता है रिस्क एंड रिटर्न हर एक स्टॉक का कैलकुलेट किया जाता है और फिर इन स्टॉक में फंड को एलोकेट किया जाता है ठीक है ये जो स्टॉक है इन स्टॉक जो 10 से 15 स्टॉक सिलेक्ट किए गए हैं इन स्टॉक में फंड को एलोकेट किया जाता है डिफरेंट प्रपोर्शन में इन स्टॉक को क्या किया जाता है ब्लेंड किया जाता है मिलाया जाता है कलेक्ट किया जाता है इस तरीके से कि उस पोर्टफोलियो को इन स्टॉक को मिला के जो पोर्टफोलियो बने ना दैट वुड बी बेस्ट पोर्टफोलियो वो सबसे एफिशिएंट पोर्टफोलियो हो वो सबसे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है ठीक है तो इस तरीके से मार्क्विट्स मॉडल वर्क करता है बट ये कैसे वर्क करता है ये डिटेल में मैं अगले लेक्चर वीडियो में बताऊंगी ठीक है तो इन्वेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था ना मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए एंड मिनिमम रिस्क होना चाहिए तो इसके लिए वो हर एक सिक्योरिटी को एनालाइज करता है एंड इन सिक्योरिटी को किस प्रपोर्शन में हम ब्लेंड करें ताकि इससे मिलके जो पोर्टफोलियो बने उसका क्या हो रिटर्न मैक्सिमम हो और रिस्क मिनिमम हो ठीक है तो मार्क्विट्स मॉडल का फाइनल स्टेप क्या होता है एसेट एलोकेशन एसेट एलोकेशन मतलब क्या हुआ कि जितना भी पैसा है उसको हम कैसे डिफरेंट सिक्योरिटी डिफरेंट शेयर के बीच में किस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि इन्वेस्टर की नीड क्या हो इन्वेस्टर की नीड क्या हो मीट हो सके ठीक है मेरा गला काफी खराब है मुझे खांसी बहुत ज्यादा आ रही है बट मैं किसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैम सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं बट मेरा गला ही साथ नहीं दे रहा है तो चलिए आज का लेक्चर में यही पे बाइंड अप करती हूँ अगले लेक्चर में हम डिटेल में यही पढ़ने वाले हैं मार्केट्स मॉडल मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और अगला लेक्चर मेरा काफी इंपॉर्टेंट है नोट्स बन के रखे हैं बट गला साथ नहीं दे रहा कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊं ये देखिए इसमें हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू